हम वो लोग नहीं है 1 करोड़ नौकरियों वाले और 1 बिलियन ट्री वाले। हम तो भाई खची सच्ची बात करते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। यहाँ पे हर बंदे के पास रोजगार होना चाहिए, वो 50 लाख नौकरियों वाला रोजगार नहीं। किसी को नौकरी नहीं मिली, कहते थे 50 लाख नौकरियां लाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां। जरा हाथ उठा के बताओ किसी को नौकरी मिली? वो धरने कर रहे थे, हम लोड शेडिंग का खात्मा कर रहे थे। वो धरने कर रहे थे, हम दहशतगर्दी का खात्मा कर रहे थे। कहा गया 50 लाख घर बनाएंगे, किसी को घर मिला? 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया, किसी को नौकरी मिली? हम सच्ची और खरी बात करते हैं, जो कहते हैं करते हैं। नवाज शरीफ का फैसलाबाद में जलसे से खिताब, कहा वो धरने दे रहे थे, हम लोड शेडिंग खत्म कर रहे थे। मम्मी डैडी वाली नहीं, असल यूथ हमारे साथ है। वो दौर वापस लाएंगे जब रोटी 4 रुपए की थी, आटा गैस पेट्रोल चीनी सब सस्ती करेंगे। 5 साल बाद यहाँ कोई बेरोजगार नजर नहीं आएगा। बोले फैसलाबाद के दाएं बाएं मोटरवेज हैं, फैसलाबाद वालों शहबाज शरीफ ने आपको मेट्रो बस पर तरखा दिया, यहां सिर्फ मेट्रो नहीं ऑरेंज लाइन ट्रेन भी होनी चाहिए। बाकी जो सियासी जमातें हैं जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इन्होंने सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील किया है। इसका नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, इसका नुकसान पाकिस्तान की मईशत को हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नफरत की सियासत में यकीन नहीं रखती। आप अगर हमें 8 फरवरी को हमारे साथ देते हो तो इंशाल्लाह ताला मैं आपका वजीर आजम बन के ये नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करूंगा। ना खपे ना खपे मियां साहब ना खपे, बिलावल भुट्टो ने नया नारा लगा दिया। कहते हैं हम साजिश की सियासत को नहीं मानते। पाकिस्तान तारीखी मौआशी बहरान से गुजर रहा है, मौआशी मुआहदा तैयार कर लिया। मुल्क को मसाइल से सिर्फ पीपी ही निकाल सकती है। वजीर आजम बनकर गुर्बत महंगाई बेरोजगारी का खात्मा करूंगा। बिलावल भुट्टो की शिकारपुर से कश्मीर तक रैली, आवाम से खिताब में कहा मुखालिफीन आपको मजहब और लसानियत की बुनियाद पर तकसीम करना चाहते हैं, 8 फरवरी को मेरा साथ दें, नफरत और सियासत की तकसीम खत्म कर देंगे। शिकारपुर से 100% नशिस्तें चाहिए। आपने 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगानी है, हेर फेर पे नहीं शेर पे। नवाज शरीफ की क्यादत में वही तरक्की का सफर दोबारा शुरू होगा। नवाज शरीफ को तो फैसलाबाद में एक मेट्रो आपको बना के देंगे, मेट्रो। कौम के बेटों और बेटियों सुन लो, फिर इंशाल्लाह आपको पाकिस्तान की शानदार अरफा करीम आईटी यूनिवर्सिटी बना के देंगे आपको इस फैसलाबाद में। 8 फरवरी को मोहर हेर फेर पर नहीं शेर पर लगानी है। शहबाज शरीफ कहते हैं नून लीग की हुकूमत आएगी तो फैसलाबाद में मेट्रो बस चलेगी। नवाज शरीफ ने हमेशा फैसलाबाद को अपना शहर समझा। नवाज शरीफ की क्यादत में तरक्की का वही सफर शुरू होगा। नौजवान 8 फरवरी को शेर पर ठप्पा लगाएं और तालीम का इंतजाम करें। नौजवान पाकिस्तान की ताकत, सरमाया और मुस्तकबिल हैं। नौजवानों के लिए जदीद तालीम का इंतजाम करेंगे। कि ना बीमार नजर आता है ना बीमारी नजर आती है। मुस्लिम लीग नून बदतमीजी में मुकाबला नहीं करती, मुस्लिम लीग बदतहजीबी का जवाब नहीं देती, मुस्लिम लीग नून गाली गलौच नहीं करती, मुस्लिम लीग इल्जामात की सियासत नहीं करती, मुस्लिम लीग किसी को चोर चोर नहीं कहती। मुस्लिम लीग नून अगर मुकाबला करती है तो खिदमत में मुकाबला करती है। हकीम राणा सनाउल्ला ने ऐसा इलाज किया, बीमार नजर आता है ना बीमारी। जलसायाम से खिताब में मरियम नवाज ने कहा नून लीग बदतमीजी और इल्जामात की सियासत नहीं करती, नून लीग किसी को चोर चोर नहीं कहती, नून लीग मुकाबला करती है तो खिदमत से मुकाबला करती है। क्या खिदमत में मुस्लिम लीग नून की टक्कर का कोई है? फैसलाबाद तरक्की करता है तो पाकिस्तान तरक्की करता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके लिए लगी है, आप
रहनुमा आसिफा भुट्टो अंदरून सिंध इंतखाबी महाज पर सरगर्म। नौशहरों फिरोज में रैली की क्यादत, मोरो में खिताब करते हुए कहा 8 फरवरी तीर की जीत का दिन है, मुआशी इंकलाब चाहते हैं तो बिलावल को वजीर आजम बनाना होगा। पूरे पाकिस्तान से लोग सिंध में इलाज करवाने आते हैं, महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा अव्वलीन तरजीह होगी। आम इंतखाबात का काउंटडाउन, इलेक्शन में सिर्फ 6 दिन बाकी। 2 सूबों में सामान की तरसील मुकम्मल, केपी और बलोचिस्तान में बैलेट पेपर्स पहुंचा दिए गए, सामान बाय एयर सख्त तरीन सिक्योरिटी में भेजा गया। रावलपिंडी और मरी में भी सामान की तरसील शुरू। दूसरी जानब सिक्योरिटी फोर्सेज इंतखाबी अमले की जिम्मेदारियां नहीं संभालेंगी, फोर्सेज पोलिंग अफसरान के काम में किसी तरह की मुदाखलत नहीं करेंगी, किसी भी अहल वोटर को पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने से नहीं रोका जाएगा। आम इंतखाबात में फौज क्विक रिएक्शन फोर्स के तौर पर तैनात होगी, सिविल आर्म्ड फोर्सेज और अफवाजे पाकिस्तान की तैनाती से मुतालिक अहम मालूमात जारी। सिक्योरिटी की पहली जिम्मेदार पुलिस, रेंजर्स और एफसी दूसरे मरहले में आएगी। सत्तर महीनों से काम हो रहा है, चाहे आईबी है और आईएसआई है और बाकी जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं पाकिस्तान की, वो तमाम की तमाम उसी की रोशनी में सिक्योरिटी प्लान बनाया गया है, उसी की रोशनी में आर्मी का बैकअप भी है और रेंजर्स का भी है। फौज अवाम के पीछे खड़ी है और जो हमारी केयरटेकर हुकूमत है, ये दोनों मिलके पोलिंग इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़े हैं और हम लोग अपनी जिम्मेदारियों से तमाम के तमाम सुबकदोश हो जाएं, उसके लिए मुकम्मल तैयारी है। निगरान हुकूमत किसी को अंदर कर रही है ना बाहर, जो फैसले हैं अदालतें कर रही हैं। निगरान वजीर इत्तला सिंध अहमद शाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा हसास पोलिंग स्टेशंस में फौज तैनात होगी, तमाम पोलिंग स्टेशंस पर कैमरे नस्ब कर दिए, वोट चोरी की कोशिश करने वालों को मायूसी होगी। मुआशी और समाजी बेहतरी के लिए हुकूमती इकदामात का भरपूर साथ देंगे आर्मी चीफ का अज़्म। निगरान वजीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC का इजलास, मईशत की बेहतरी के लिए उठाए गए इकदामात का मजमूई तौर पर जायजा, सरमायाकारी के जारी मंसूबों पॉलिसी इकदामात पर ब्रीफिंग, FBR में असलाहत और स्ट्रेटेजिक कैनाल्स विजन 2030 की मंजूरी। बाने PTI और बुशरा बीबी ने वजीर आजम ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया, 1573 मिलियन का माली फायदा उठाया, तोशाखाना केस का तफसीली फैसला जारी। लिखा बाने PTI और बुशरा बीबी को गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहाइफ मिले, सऊदी वलीअहद से बुशरा बीबी ने ग्राफ का ज्वेलरी सेट बतौर तोहफा वसूल किया, तोशाखाना में रिपोर्ट तो हुआ ताहम जमा नहीं करवाया गया, ग्राफ ज्वेलरी की असल कीमत 3 अरब 16 करोड़ रुपए थी। बानी PTI और बुशरा बीबी के असर रसूख के बाइस कीमती सेट का तखमीना कम लगाया गया, दोनों कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के मुर्तकिब पाए गए, फ्रॉड के जरिए पब्लिक प्रॉपर्टी हासिल की गई, इस्तगासा अपना केस साबित करने में कामयाब रहा, जेल में गुजारा हुआ वक्त सजा में शामिल तसव्वुर होगा। दौरान इद्दत निकाह केस अडियाला जेल में जेरे समात, इस्तगासा के गवाहान पर जिरह, बुशरा बीबी को पुलिस के सख्त पहरे में अडियाला जेल लाया गया। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का निकाह केस खारिज करने की दरखास्त निपटाने का तहरीरी फैसला जारी, समन कलदम करार देने की इस्तेदा मुस्तरद, फैसले के मुताबिक फ्रॉड से निकाह के इल्जाम में समन जारी करने में कानून की खिलाफ वर्जी नहीं पाई गई। मीडिया से गुफ्तगू में हामिद खान ने कहा PTI के साथ होने वाला जुल्म ढका छुपा नहीं, वकीले सफाई पर बंदूकें तानी जा रही हैं, बुनियादी हुकूक पामाल होने से रोका जाए। ये जुल्म सितम जो कुछ भी हो रहा है ये किसी से ढका छुपा नहीं है, आम आदमी देख रहा है किस अंदाज से ट्रायल हो रहे हैं, किस अंदाज से एविडेंस रिकॉर्ड हो रही है, किस अंदाज से बगैर क्रॉस एग्जामिनेशन के किस तरह वकील सफाई को निकाला जाता है, बल्कि पाबंद कर दिया जाता है। पहली दफा हुआ है कि वकील सफाई जहां थे वहां पर बंदूकें तानी गई हैं, ये कुछ जो पहले कभी नहीं हुआ था वो भी आज देखने को मिल रहा है। ये
निकाह हुआ जब हुआ उस वक्त मैं विटनेस था और इद्दत जो पूरी नहीं हुई थी वो ये साबित हुआ वहाँ पर। आप एक पार्टी के इतने बड़े लीडर खुद को कहलाते हैं और आप खुद झूठ पर एक ऐसी अपनी ज़िंदगी का फैसला करते हैं और लोगों को आप बड़े बड़े दर्द देते हैं। तकलीफ से ये बात कहनी पड़ती है कि हमारे नौजवानों को भी गुमराह किया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह दौराने इद्दत हुआ। मैं उस निकाह में बतौर गवाह शरीक था। ऑन चौधरी की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से बातचीत, कहा अदालत में जो बयान दिया सच पर मबनी है। अपनी जिंदगी में झूठ बोलते हैं, दूसरों के लिए तकरीरें करते हैं। आज मुल्क में बदअमनी क्यों है? इलेक्शन मुहिम चलाने से क्यों रोका जा रहा है? मौलाना फजलुर रहमान का टांक में जलसे से खिताब, कहा पाकिस्तान की इमारत को हिलाया गया, अब कहते हैं आप ठीक नहीं कर सकते। मैशत को तबाह करने वाले अपना एहतसाब खुद करें। हमने हमेशा तहम्मुल और इस्तकामत से सियासत की। जहांगीर तरीन के मुल्तान में इंतखाबी मुहिम, अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा मैं हादसाती तौर पर सियासत में आया, ऐवान में जाकर पता चला यहाँ सियासत ही मुख्तलिफ है। मुझे कहा गया आबाई इलाके में जाकर इलेक्शन लड़ें, नून लीग और आईपीपी हलके की किस्मत बदल देगी, हमने मिलकर लोगों की खिदमत करनी है। सरबराह किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर ने जहांगीर तरीन की हिमायत कर दी। उधर सदर आईपीपी अलीम खान की NA 117 शाहदरा टाउन आमद, मसीही बरादरी से मुलाकात, कहा हलके की बिला तफरीक खिदमत जारी रहेगी। 8 फरवरी को इस कौम का इम्तिहान है, फैसला करना है करप्शन से पाक पाकिस्तान चाहिए या करप्शन ज़दा। 76 बरसों से मुल्क पर कब्जा माफिया काबिज है। सिराजुल हक का गुजरांवाला में इज्तिमा से खिताब, कहा ऐसा पाकिस्तान देंगे जिसमें गुरबत और महंगाई ना हो, जिसके फैसले पार्लियामेंट में हों अमरीका में नहीं। हाफिज नईम कहती हैं कराची टैक्स देता है तो मुल्क चलता है, पंजाब और KP में हेल्थ कार्ड मौजूद है, कराची में स्कीम क्यों नहीं हो सकती। MKM ने हैदराबाद में पिंडाल सजा लिया। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं आज तीर के दफन होने का दिन है। हैदराबाद वालों के जोश ने सर्दी में गर्मी पैदा कर दी। पतंग के अलावा हर इंतखाबी निशान की जमानत जब्त होगी। अब शहर बदमाशी बर्दाश्त नहीं करेगा। जलसगा में कारकुनान का रश, पार्टी परचमों की बहार। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगी। कवि इम्कान है पीपल्स पार्टी हैदराबाद की तमाम सीटें जीतेगी। पीपी रहनुमा शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा नवाज शरीफ की पॉलिसियां नफरत और तकसीम की हैं। बानी पीटीआई ने मुल्क की मईशत को बदतरीन हालत में छोड़ा। लोग नफरत तकसीम और लिसानियत की सियासत को धुतकार चुके। लोग बेनजीर भुट्टो की पॉलिसी पर चलना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ ने लियाकत बाग में इंतखाबी जलसे की इजाजत मांग ली। NA 56 से आजाद उम्मीदवार शहरयार रियाज ने डिप्टी कमिश्नर को तहरीरी दरख्वास्त दी। 3 से 6 फरवरी के दरमियान लियाकत बाग में जलसे की इजाजत देने का मुतालबा। उधर PTI ने 5 फरवरी को होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन मौखर कर दिए। फैसला पार्टी मेंबरान के इंतखाबात में मसरूफियत के बायस किया गया। इंतखाबात के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान FIA के रिडार पर, अवाम में खौफ हिरास और इंतशार फैलाने के इल्जाम में स्टेट इंक्वायरी का हुक्म। FIA साइबर क्राइम सेंटर ने कल सुबह 11 बजे तलब कर लिया। कराची में नाला मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी का केस। इलेक्शन से एक रोज कबल मुराद अली शाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाप्त के लिए मुकर्रर। 3 रुकनी बेंच 7 फरवरी को कराची रजिस्ट्री में समाप्त करेगा। मेयर कराची, चीफ सेक्रेटरी सिंध, कमिश्नर कराची और दीगर को नोटिस जारी। ल
लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस शाहिद जमील ने जाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया। 2029 में रिटायर्ड होना था, सीनियोरिटी लिस्ट में 11वें नंबर पर थे। बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम में ना अहली, नेप्रा की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। ईंधन की फराहमी पावर सेक्टर के बड़े मसाइल करार, कहा गया नाकस मंसूबा बंदी से सारिफीन पर 20 अरब का बोझ पड़ा। पुराने और खराब प्लांट्स मुद्दत पूरी करने के बाद भी चलाए जा रहे हैं। गैस एलएनजी की किल्लत से महंगे प्लांट्स चलाने से 164 अरब रुपए का बोझ पड़ा। बिजली कंपनीज में 781 अरब रुपए की सरमायाकारी के बावजूद सूरत हाल बेहतर नहीं हुई। बिजली के शोबे में निजी शोबे की मुदाखलत से बेहतरी लाई जा सकती है। नहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम ना थमे, वेश्याना बमबारी में मजीद 112 फलस्तीनी शहीद, 190 से ज्यादा जख्मी। शोहदा की तादाद 27,000 से तजावुज कर गई। पनाह गजीन कैंप से 14 लाशें बरामद। अल अमल अस्पताल का मुहासरा 11वें रोज भी जारी। नसर अस्पताल के करीब 30,000 शहरी गजाई बहरान का शिकार। फलस्तीनी बच्चे पानी और खुराक के लुकमे को तरसने लगे। गजा में बारिश और सर्दी से बेघर फलस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा। नौजवानों के लिए जहनी सलाहियतों को बढ़ाने वाले खेलों का फरोग बहुत जरूरी है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब, खेल मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान राब्तों का जरिया है। दुनिया भर में बहुत से खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया काम किया। चेस के फरोग के लिए काम करने वाले मुतल्लिका अफराद को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। कराची के हल्के NA-238 में तजावजात की भरमार, टूटी सड़कों के अलावा बुनियादी जरूरियात के गंभीर मसाइल। लाहौर के NA-127 में कांटे का मुकाबला मुतवक्के, हल्के को फतह करने के लिए बिलावल भुट्टो खुद मैदान में, अताउला तारड़ से मुकाबला। NA-30 पशावर में आज भी बिजली, गैस और पानी जैसे बुनियादी मसाइल का सामना। बालाई इलाकों में बर्फबारी ने नज़ारे हसीन बना दिए। मलकाए कोहसार और गलियात का हुसन निखर गया। बर्फ से ढके दरख्तों ने हर मंजर दिल फरे बना दिया। आज़ाद कश्मीर की वादियां भी सफेदी में छुप गईं, सयाहों का रश। दूसरी जानिब कराची के बेशतर इलाकों में बूंदाबांदी, आइंदा चंद रोज तक बादल बरसने का इम्कान। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आज और कल मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। कोयटा और गिरदोनवाह में हल्की बारिश जारी। पंजाब में नमूनिया के वार तसलसल के साथ जारी, मजीद 9 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। लाहौर से एक हलाकत रिपोर्ट, सूबे में एक रोज में 764 केसेस सामने आ गए। अमवात की मजमूई तादाद 303 तक जा पहुंची। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब का रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल का दौरा, अपग्रेडेशन के काम का जायजा लिया, सहूलियत बारे आगाही ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पिंडी के लिए PKLI का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। रिंग रोड बहुत बड़ा मंसूबा है, FWO दिन रात काम कर रही है। मॉल रोड को भी सिग्नल फ्री करने जा रहे हैं। अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का सुपर सिक्स मरहला, पाकिस्तान अपना आखिरी मैच कल बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। इवेंट में हरीफ टीमें पाकिस्तान और भारत अब तक नाकाबिले शिकस्त हैं। पाकिस्तान क्रिकेट मायूस कुन सूरत हाल में है। साबिक टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर की क्रिकेट वेबसाइट से गुफ्तगू, कहा ज़का अशरफ पहले ही हमें निकालने का फैसला कर चुके थे। वर्ल्ड कप के बाद रिव्यू के नाम पर ड्रामा किया गया, नई जिम्मेदारियां देने का कहा गया जो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक नामुमकिन था। पाकिस्तान और भारत डेविस कप टाई में आमने सामने आने को तैयार। रवायती हरीफों के दरमियान दो रोजा मुकाबले कल से इस्लामाबाद में शुरू होंगे। सिंगल्स में इसामुल हक और रामकुमार का मुकाबला होगा।
अकील खान और श्रीराम के माबेन जोड़ पड़ेगा। बाद में डबल्स के मुकाबले होंगे, ड्रॉस का ऐलान हो गया।